वाह, रोपवे बैठने के बाद दोस्तों यहाँ का नज़ारा तो देखने बनता है। अगर इसको रेगुलर पी लिया तो आपको एडिक्टेड बन जाएगा, आपको नशा जैसा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये पीने पीने से अच्छा भी रहता है। जो कड़क चाय और इसमें बहुत अंतर है, वो दोनों में बहुत फर्क है। और यहाँ का चाय लेना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग टेलीस्कोप देख सकते हैं, इस टेलीस्कोप से दिखाया जा रहा सिक्किम के उस खूबसूरत दृश्य को। तो खैर, मैं लेके चलता हूँ आप लोग को टी गार्डन। टी गार्डन यहाँ से हम लोग को पहाड़ी से नीचे उतरना होगा। और तो गाइज, अगर आप लोग रोपवे का आनंद उठाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग रोपवे कर सकते हैं। और पूरे दार्जिलिंग का व्यू पॉइंट, यहाँ तक कि टी गार्डन को भी हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ पर रोपवे के माध्यम से दार्जिलिंग की सैर कराता हूँ दोस्तों, जिसका चार्ज है 260। अगर आप भी दोस्तों इस रोपवे का आनंद उठाना चाहते हैं और कंचनजंगा की उस खूबसूरत चोटी को देखना चाहते हैं, नज़दीक से देखना चाहते हैं, तो रोपवे पे जरूर बैठना होगा। रोपवे पे बैठे बिना हम कंचनजंगा के चोटी तक नहीं जा सकते हैं, जाना पॉसिबल नहीं है। और उस व्यू पॉइंट को करीब से देखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उतने दूर तक नहीं जा सकते हैं। और रोपवे के माध्यम से हम उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। तो लेके चलता हूँ मैं रोपवे से उस कंचनजंगा के काफ़ी नज़दीक, और वहाँ से मैं देखता हूँ कितना खूबसूरत दिखा पाता हूँ आप लोगों को कंचनजंगा की खूबसूरत चोटी को। वाह, रोपवे बैठने के बाद दोस्तों यहाँ का नज़ारा तो देखने बनता है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कंचनजंगा की चोटी को, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है दोस्तों। और कितना खूबसूरत, कितना लाजवाब, वाओ, इसकी सुंदरता दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। गजब की सुंदरता है कंचनजंगा की चोटी, जो हम लोग रोपवे से करीब से देख पा रहे हैं। अगर आप भी रोपवे का आनंद उठाना चाहते हैं, रोपवे से दार्जिलिंग की सैर करना चाहते हैं, तो मात्र 260 रुपीज पेड करना होगा और दार्जिलिंग की खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा हिमालय पर्वत कैसे बादलों में ढका हुआ, कितना खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था, सफ़ेद दिखाई दे रहा था। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ आप लोग को दोस्तों टी गार्डन, और यहाँ के खूबसूरत टी गार्डन को हम लोग देखने वाले हैं। कहाँ से हैं सर आप? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से ही है। और इनके इनसे कुछ दार्जिलिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या खासियत है यहाँ की, भाई साहब बताएंगे यहाँ के टी की क्या खासियत है। अच्छा देखिए, अभी दार्जिलिंग टी जो इधर से होता है ना, हाँ, वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव चाय बनता है दार्जिलिंग, और सबसे बढ़िया चाय बनता है। जितने भी अच्छा वाला क्वालिटी का चाय है वो पूरा बाहर एक्सपोर्ट होता है। हाँ, और क्योंकि और आपका बहुत सारे वेराइटीज बनता है, ये दार्जिलिंग के चाय जितने भी बनते हैं ये पूरा लूज लीफ चाय बोलते हैं। ये तो ज़्यादातर जिसके खाते थे हेल्थ कंशियस, जितने भी जो भी हेल्थ कंशियस के लिए चाहिए वो लोग ज़्यादा मतलब ये चाय पीता है डेली। अगर इसको रेगुलर पी लिया तो आपको एडिक्टेड बन जाएगा, आपको नशा जैसा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये पीने से अच्छा भी रहता है। जो कड़क चाय और इसमें बहुत अंतर है, वो दोनों में बहुत फर्क है। और यहाँ का चाय लेना ही चाहिए एक बार। ठीक ठीक, ये भाई साहब हमारे चैनल के माध्यम से ये मैसेज दिए हैं कि दार्जिलिंग चाय हर किसी को लेना चाहिए, और दार्जिलिंग में क्या क्या फेमस है भाई साहब बताएंगे आज। देखिए, दार्जिलिंग तो सबसे किंग ऑफ विलेज बोलते हैं दार्जिलिंग को। हाँ, इधर से आपको पूरा कंचनजंगा का व्यू दिखता है। और यहाँ पे जो पीछे का व्यू दिख रहा था वो हिमालय का था कि हिमालय, वो कंचनजंगा है वो। अच्छा, कंचनजंगा। और टाइगर हिल से आपको सनराइज होता है ऊपर से। हाँ हाँ, सनराइज सुबह 4 बजे जाना पड़ता है। आज आप गए थे उधर? नहीं, अभी नहीं गए थे, कल मॉर्निंग में जाएंगे। जाइए, गाड़ी पकड़ के जाना पड़ेगा, गाड़ी रिजर्व करके जाना पड़ेगा गार्डन देखने। हाँ, आप घूमिए, पूरा दार्जिलिंग एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अच्छा है इधर से। आज तो वेदर भी बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग भी आएं, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं यहाँ का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और सबका सम्मान करते हैं। थैंक यू। दोस्तों इसी तरह हम लोग सबसे मिलते हुए चलेंगे आगे टी गार्डन को देखने वाले हैं। तो और दोस्तों यहाँ पे आप लोग टेलीस्कोप देख सकते हैं, इस टेलीस्कोप से दिखाया जा रहा सिक्किम के उस खूबसूरत दृश्य को। तो देखते हैं यहाँ पे इसका क्या चार्ज है, और टेलीस्कोप से हमें क्या क्या नजर आता है।
खाली जगह मारी तो बुझता नहीं। और यहाँ पे हिमालय पर्वत से लाया गया कुछ फल है, चाय के बीज है, फल से इसको जान लेते हैं दोस्तों किस किस रोग में काम आता है, कौन सा फल है और क्या इसकी खासियत है। तो गाइस इस फल का नाम हिमालय ओलिव्स है और ये शुगर और ब्लड प्रेशर में इसका काम आता है, भाई साहब का कहना है। चाय का बीज है, प्लांटेशन अगर आपको चाय का पेड़ लगाना तो इसको ये कौन सा चाय का बीज है, ऐसे लेने नहीं देंगे ना, दस रुपए कितनी खाली जाएगी भाई, ये फल कहाँ पे निकलता है, कहाँ पे निकलता है फल, व्यू पॉइंट लपचू बोलते हैं, लपचू इसको लपचू बोलते हैं, लपचू नहीं ये लपचू नहीं मिलता है, अच्छा तीसरा व्यू पॉइंट में मिलता है, तीसरा रिवर के ऊपर मिलता है जहाँ पर बंदर भी नहीं जाता, पैसा ज्यादा मिलता है। क्या फायदा इसका, शुगर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ओके कंचन में तो क्लाइम करने वाला पैदा नहीं हुआ मगर कंचन जगह में क्यों नहीं क्लाइम करते वो बता सकते, सिक्किम की पहाड़ियों पे मंदिर दिखाई दिया दोस्तों, इसको यहाँ का बाबा धाम बोला जाता है, इनका कहना है ये। तो खैर मैं लेके चलता हूँ आप लोग को टी गार्डन, और टी गार्डन यहाँ से हम लोग को पहाड़ी से नीचे उतरना होगा और नीचे आप लोग को ये टी गार्डन देखने को मिलेगा, तो जस्ट वहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कैसी इसकी पत्ती होती है, टी की चाय की पत्ती को हम लोग देखेंगे। और टी गार्डन से कंचनजंगा की चोटी भी दिखती है और देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है। तो दोस्तों यहां आप लोगों को बहुत लगभग इंडिया के हर एक कोने से आप लोग को लोग यहां पर नज़र आएंगे इस टी गार्डन को घूमने के लिए आते हैं। खैर यहां पे हैप्पी वैली टी गार्डन है वो बहुत ही फेमस है और ये भी टी गार्डन यहां का फेमस है जो जस्ट इसके बगल हैप्पी वैली के बगल में है। और ये आप लोग को चाय दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये चाय की पत्ती है, इस समय सीजन नहीं है शायद, तो चाय की पत्ती इस समय नहीं तोड़ी जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेसेस पहन के दार्जिलिंग की जो ड्रेस यहाँ की फेमस है उसको पहन के लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, जिसका चार्ज 50 रुपीज़ है दोस्तों, 50 रुपीज़ दे के आप इस ड्रेस का आनंद उठा सकते हैं, चाय बागान में कैसे चाय पत्ती तोड़ी जाती है उसके उसका वो जो होता है पीछे लटका के वो भी मिल रहा है देखने को, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। हम लोग धीरे धीरे नीचे चल रहे हैं, नीचे का दृश्य देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, अभी हम लोग टी गार्डन में पहुंच गए हैं और यहाँ का व्यू पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ यहाँ पे हिमालय का भी व्यू पॉइंट आप लोग देखिए आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ का टी गार्डन, ये चाय की पत्ती है दोस्तों, यहाँ सामने से देख सकते हैं आप लोग, ऑरिजिनल
और पता नहीं कैसे इसमें से चाय निकलता है। और ऐसा आपको यहाँ पे हर जगह देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कैसे यहाँ पे चाय की खेती की गई है। और पूरा दार्जिलिंग चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है और उतना ही फेमस यहाँ का व्यू पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ की सुंदर पहाड़ियों को देख सकते हैं, वाव नज़ारा तो बहुत ही गजब का है। और यहाँ पे लोग अपना ड्रेसेस पहन के आनंद उठा रहे हैं। एक आदमी के लिए कितने? दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करें और मुझे बताएं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।